असम में बाढ़ से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क पानी में डूबा हुआ है। इस कारण वहां के जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्हें ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के पानी में बह रहे हिरणों के झुंड का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ ये वीडियो वायरल भी हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 4-5 हिरणों का झुंड पानी में डूबा हुआ है। केवल उनका सर पानी के ऊपर दिख रहा है, बाकी का शरीर पानी के अंदर डूबा हुआ है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कसवा ने ट्विटर पर 2 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें हिरणों का झुंड जान बचाने के लिए मशक्कत करता दिख रहा है। हिरण सिर तक पानी में डूबे हुए हैं। कसवा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, इसे देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। 90% काजीरंगा नेशनल पार्क पानी के अंदर है। यह वन्य जीवों के लिए भी बड़ी आपदा है। यह तब बढ़ जाती है जब प्राकृतिक वास कम हो जाता है। इस तरह की आपदा के वक्त उनके लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कसवा के पोस्ट को कई लोगों ने शेयर किया है और काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की स्थिति को लेकर नाराजगी प्रकट की है। कई लोगों ने लिखा कि जानवर इंसान की लालच की कीमत चुका रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, यह हम सभी के लिए सतर्क होने का वक्त है। आपको बता दें, असम में बाढ़ के कारण हालात बहुत खराब है। मंगलवार को स्थिति उस वक्त और खराब हो गई जब भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लोगों के रेस्क्यू के लिए 1000 जवानों को तैनात किया गया है। विधायक मृणाल सैकिया ने कहा कि यह जानवरों के लिए मुश्किल वक्त है। बड़ी संख्या में गैंडे, हिरण और हाथी फंसे हुए हैं। बता दें कि भारी बारिश से न सिर्फ असम राज्य बल्कि मिजोरम के हालात भी बेहद खराब हो चुके हैं। धन्यवाद।